हम एहसान नहीं करेंगे तो कोई हमारी बात मानेगा, पर कोई नज़म नहीं है। आप देखिए दूसरे संस्थाएं गैर मुस्लिम है सारे, वो गर्मी के अंदर बेचारे वो सब ट्रेनों के पीछे पीछे भाग रहे ठंडा पानी लेके, और लोगों को बोतलें भर भर कर दे रहे हैं। हमारे पास में क्या, कौन मुसलमान कर रहा है? सबील लगाने के लिए हमारे पास में हजारों लाखों रुपए की सबील लगा लेंगे मुहर्रम के अंदर, ताजे निकल रहे, पिलाओ एक दिन के अंदर, शरबत पिला दो उसके अंदर, बादाम पिस्ते सब डाल दो। अरे ये निजाम तो ऐसा होना चाहिए, पियाओ सबील लगाओ, सबील लगाने की मैं नहीं, लेकिन एसी लगाओ जो साल भर चले। एसी कौन सी, तुमने एक रात लगा दी चार घंटे के लिए और खत्म हो गई, उसके बाद कुछ भी नहीं, एक दिन पिला दिया, तो रोज पानी की जरूरत नहीं है उसे, साफ पानी के मुसलमानों को जरूरत नहीं है, तो उसके लिए खर्च करो अचल पैसा। और ये जो हम लाखों रुपए इसके अंदर सबीलों के अंदर करते हैं, उसके अंदर लगाते हैं, इससे जो है साल साल भर 10 जगह सबील चल सकती है, एक एक के बजाय पानी की सबीलें वहाँ लगाई जा सकती है, बैठने के लिए लोगों के इंतजाम किया जा सकता है, छज्जे लगाए जा सकते हैं आरामदायक, उनके लिए कुर्सियाँ वहाँ पर लगाई डाली जा सकती है मुसाफिरों के लिए, खाने का नजम चालू किए जा सकते हैं। तो असल काम हम छोड़कर और बेफिजूल के कामों के अंदर हम आज लगे हुए हैं, तो हमारे पास कोई भी नजम नहीं, छोटा प्याओ पानी पिलाने जैसा नजम नहीं है हमारे पास। तो हमको इस पे सोचने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि फराइज तक एतिकाफ, एक बार अबू हुरैरा के ताल्लुक से आता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से, कि एक आदमी ने उनसे जो कुछ मसला काम के लिए उन्होंने पूछा, कुछ उसको खिदमत की ज़रूरत थी, तो वो एतिकाफ में बैठे हुए थे मस्जिद हरम के अंदर, तो वो उसके साथ चले गए, एतिकाफ उसने तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि एतिकाफ में थे तुम, बोले एतिकाफ ये पहले इसकी खिदमत कर दूँ, एतिकाफ वापस से शुरू हो जाएगा बाद में, यानी इससे ज़्यादा उनको वो अहमियत दी गई, ये हमको मामले मिलते हैं। और इसी तरह ये सही अलजामे की रिवायत अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हदीस नंबर 7035 के, अपने कमजोरों की मदद करो, क्योंकि इसके बदले तुमको रिस्क दिया जाता है। तुम्हारे पास रिस्क है ना, तुम ये सोच रहे हो कि भाई हमारे पास में एक आदमी जो है पूरी गरीब बस्ती झुग्गी झोपड़ी के बीच में अच्छा बंगला बना के बैठा हुआ है, वो समझो उनको दे ही नहीं रहा है, मस्जिदें बना के पूरे अलीशान, वो चारों तरफ तो गरीब गुरबे बेचारे भीख मांग रहे, मस्जिद के अंदर एसी लगा हुआ, मस्जिद के अंदर जो है गुम्बज लगा हुआ, उसके ऊपर सोने के वो मुकुटे लगे रखे, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए लाखों के, ताकि दूर तक अजान की आवाज़ जानी चाहिए, दूर तक तुम आवाज़ पहुंचा रहे हो, ये बाहर भीख मंगे बैठे मस्जिद के बाहर में क्यों बैठे ये, क्योंकि तुम अंदर तुम एसी से आ रहे हो और ये तुम्हारे बाहर धूप में बैठे हुए मांग रहे हैं तुमसे, उनके लिए बात तुम्हारा नजम ही नहीं। तो इसे क्या काम की वो इबादत जो तुम एसी के अंदर करते हो, जो तुम अच्छे कालीन के अंदर करते हो, इतने बड़े बड़े तुम वो बना के बड़ी बड़ी मस्जिदें वो बना के करते हो, तो कि तुम उसके बाहर तो तुम्हारे पास में गरीब बैठे हुए नंगे बच्चे बैठे हुए, उनके पास कुछ नहीं, उसको तुम जो है चिल्लर दे रखा है, एक एक रुपया दे के तुम निकल जाते हो, क्या पूछेगा नहीं अल्लाह कि इतनी बड़ी मस्जिद तुमने बना दी करोड़ों रुपए की, और उसके पास तो ये सब गरीब लोग थे? तो हर जिम्मेदार से पूछा जाना है, जो उस मस्जिद के सदर है उससे पूछा जाना है, तो ये पूछा जाना है, तो हमको उसको सोचने की जरूरत है कि ये सब हमको करना है। बल्कि हम तो इस हद तक है कि पूरे मुस्लिम मुल्क के अंदर आप सोचिए पैरासिटामॉल तक नहीं बनाते, ये खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे मुल्क मुस्लिम मुल्क के अंदर ये नजम नहीं है कि एक जो है पैरासिटामॉल दर्द की गोली तो बना दे, वो भी नहीं, वो भी इंपोर्ट करते हैं, पूरा अरब के अंदर आप देख ले उनके पास में है ही नहीं, बाहर से बंद कर दे तो उनका सर दर्द ठीक नहीं कर सकते वो खुद, क्योंकि उनके पास में वो फार्मूले भी नहीं, सब चीज़ इंपोर्ट करती। तो इस हद तक तो इसलिए मैंने कहा कि हम घुटने पर नहीं बल्कि पेट के बल आ गए, हमारी हालतें ये इसमें हो चुकी है।